एपिसोड 6। भाई इस वाले एपिसोड ने तो क्रिएटिव डायरेक्शन की सारी हदें पार कर दी। दीप ने कुछ सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशन करके ये क्रिंजी सा वीडियो बनाया। लॉकडाउन में इस तरह के वीडियोस काफी पॉपुलर हो गए थे। बॉयज के क्रिएटर्स बस उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। क्रिम्सन काउंटेस के घर के सीसीटीवी फुटेज से होमलैंडर को पता चला कि सोल्जर बॉय जिंदा है। ये देखकर होमलैंडर को पैनिक अटैक्स आने लगे। अगर सोल्जर बॉय के सुपर विलन होने की न्यूज वायरल हो गई तो वॉट और होमलैंडर दोनों की खैर नहीं। दीप को किसी भी हालत में इस न्यूज को बाहर आने से रोकना होगा। बेचारे को ये काम अकेले ही करना होगा। सारा क्राइम डिपार्टमेंट फायर जो कर दिया इसने। सोल्जर बॉय की न्यूज को सुनकर ब्लैक नोवार भी थोड़ा सा हिल गया था। ह्यूई के बॉडी पर V24 के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। अचानक उसके कानों से खून निकल रहा था। सोल्जर बॉय बुचर की मदद करने के लिए मान गया। बुचर और ह्यूई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से पेबैक के मेंबर्स को ढूंढने में इसकी मदद करेंगे और बदले में सोल्जर बॉय होमलैंडर को मार देगा। वैसे भी होमलैंडर की पॉपुलैरिटी देखकर सोल्जर बॉय काफी जलस फील कर रहा था। होमलैंडर ब्लैक नोवार को उसका बेस्ट फ्रेंड मानता है। होमलैंडर को पूरा यकीन था कि सोल्जर बॉय को निपटाने में ब्लैक नोवार इसकी मदद जरूर करेगा। सारे सेवन में बस यही एक था जिसने अभी तक होमलैंडर को धोखा नहीं दिया। वेल अबाउट दैट, होमलैंडर के वहां से जाते ही ब्लैक नोवार ने फौरन अपना हाथ काट कर वॉट की ट्रैकिंग चिप निकाल दी और सोल्जर बॉय से अपनी खुद की जान बचाने भाग गया। याद है ना, जवानी के दिनों में ब्लैक नोवार भी सोल्जर बॉय की टीम में था। इसे अच्छे से पता है कि बाकी पेबैक मेंबर्स की तरह जल्द ही ब्लैक नोवार का भी टाइम आना है। उधर किमिको को लग रहा था कि शायद उसके जादू की पप्पी ने फ्रेंची को भगा दिया। किमिको परेशान होकर फ्रेंची को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि तभी नीना के भेजे एक गुंडे ने उसे पकड़ लिया। भाई सिक्योरिटी वगैरह नहीं के हॉस्पिटल में, पता नहीं फ्रेंची भैया ने भाभी जी को कौन से ढीले हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। बुचर से फिर एक बार धोखा खाने के बाद एमएम की अब पूरी सटक गई थी। सोल्जर बॉय के साथ साथ इसने बुचर को भी उड़ाने की तैयारी कर ली। स्टारलाइट ने एमएम को समझाने की बहुत कोशिश की कि पागल की तरह गुस्सा दिखाने का टाइम नहीं है ये, इन्हें फिलहाल ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। बट एमएम अब गांधीगिरी से तंग आ चुका था, उसे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। एमएम ने भांप लिया कि सोल्जर बॉय का नेक्स्ट टारगेट टीएनटी ट्विंस होंगे। एमएम ने ऑलरेडी उनके घर का एड्रेस ढूंढ लिया था। जल्द ही बुचर भी उनका पता ढूंढ लेगा। ए ट्रेन चाहता है कि वॉन्ट ब्लू हॉक के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले। बहुत हो गई उसकी मनमानी, वो ऐसे ही मासूम इंसानों की जाने लेकर आजाद नहीं घूम सकता। एशली ने ए ट्रेन को समझाने की कोशिश की कि सही समय आने पर वो ब्लू हॉक से निपट लेंगे, बट ना, ए ट्रेन के लिए अब यह मैटर पर्सनल था। ब्लू हॉक ने ए ट्रेन के भाई को जो अपाहिज कर दिया। ये सुनते ही एशली की सटक गई कि वाह भाई, इतने सालों से ए ट्रेन मासूमों की जाने लेता आ रहा है, वो सब ठीक है। आज ए ट्रेन की फैमिली पर बात आते ही उसे सही गलत याद आने लग गया। एशली ने ए ट्रेन को साफ साफ बता दिया कि वो ब्लू हॉक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले, उसे जो करना है कर ले। फिर डीप ने होमलैंडर को बुरी खबर सुनाई कि ब्लैक नोवार उसका ट्रैकर निकाल कर कहीं अंडरग्राउंड हो गया। ये सुनते ही होमलैंडर को जबरदस्त धक्का लगा कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। डीप और उसकी बीवी की थ्योरी ये है कि शायद सोल्जर बॉय एक एक करके पेबैक के सारे मेंबर्स को मारने के मिशन पर निकला है, इसीलिए सोल्जर बॉय का नाम सुनते ही ब्लैक नोवार भाग गया। डीप को भी लगता है कि सोल्जर बॉय का अगला टारगेट टीएनटी ट्विंस होंगे। फिर डीप को टीएनटी ट्विंस पर नजर रखने भेजकर होमलैंडर घर चला गया। घर जाकर होमलैंडर उसके अल्टर ईगो से बात करने लगा। बचपन से ही होमलैंडर की ये अल्टरनेट पर्सनैलिटी उसे सारे मुश्किलों से बचा रही थी। होमलैंडर ने कन्फेस किया कि आम जनता का प्यार हासिल करने की भूख ने ही उसे कमजोर बना दिया है। होमलैंडर के अल्टर ईगो का मानना है कि उन्हें होमलैंडर के अंदर छुपी बची कुची इंसानियत को भी खत्म कर देना चाहिए। जब तक होमलैंडर के अंदर वो इंसानियत बची है, वो ग्रेटेस्ट सुपर हीरो नहीं बन सकता। सोल्जर बॉय ह्यूई के सामने अपनी भड़ास निकालने लगा कि देश के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सबने उसे भुला दिया। इसे तो खुद अपने साथियों ने धोखा देकर रशियंस के हवाले कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर ह्यूई ने सोल्जर बॉय से मिड टाउन वाले हमले के बारे में पूछा। थोड़ा हिचकिचाने के बाद सोल्जर बॉय ने कन्फेस कर दिया कि वो कोई अटैक नहीं बल्कि एक हादसा था। सोल्जर बॉय ने कंट्रोल खोकर एक्सीडेंटली ढेर सारे मासूमों की जाने ले ली। उसके बाद सोल्जर बॉय 10 मिनट के लिए बेहोश हो गया। उसे कुछ भी याद नहीं, यानी इसे खुद पता नहीं कि उसके नए रेडियो एक्टिव पावर्स काम कैसे करते हैं। कुछ देर बाद ही वहां पर बुचर आ गया। इसने टीएनटी ट्विंस का पता ढूंढ लिया। जाने से पहले बुचर और ह्यूई ने फिर से एक बार V24 के डोज ले लिए। डीप ने टीएनटी ट्विंस के घर पहुंचकर देखा कि यहां तो सूप्स का जबरदस्त नंगा नाच चला था, हीरोगैजम।
स्टारलाइट होमलैंडर और विक्टोरिया न्यूमैन के साथ एक टॉक शो में चली गई। शो की होस्ट एक्स्ट्रा होशियारी दिखाने के चक्कर में होमलैंडर से ट्रिकी सवाल पूछने लगी कि 19 लोगों के मरने के बावजूद भी सूप्स ये कैसे बोल सकते हैं कि जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही होमलैंडर की फुल सटक गई। अगर इन्होंने बोला कि आम जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं तो बस नहीं है, मीडिया वाले फेक न्यूज फैलाकर फालतू में ऑडियंस को डराना बंद कर दे। इतना बोलकर होमलैंडर लाइव इंटरव्यू को अधूरा छोड़कर चला गया। इंटरव्यू के बाद विक्टोरिया ने स्टारलाइट को मिलने के लिए बुलवाया। विक्टोरिया जानती है कि हिवी और बाकी सारे उसकी सच्चाई जान चुके हैं, लेकिन विक्टोरिया यहाँ स्टारलाइट का सर फोड़ने नहीं बल्कि उससे मदद मांगने आई है। विक्टोरिया चाहती है कि स्टारलाइट उसके मिलियंस ऑफ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के सामने वॉट का सच बाहर ले आए। ऐसा करने से पब्लिक का वॉट और होमलैंडर पर से भरोसा उड़ जाएगा। लेकिन स्टारलाइट अब इस डर्टी पॉलिटिक्स से तंग आ चुकी है। होमलैंडर को साइडलाइन करके बस करोड़ों लोगों की जाने जाएंगी और कुछ नहीं होने वाला। इसे विक्टोरिया की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जाने से पहले विक्टोरिया ने इनडायरेक्टली स्टारलाइट को चेतावनी दी कि अगर वो चाहती तो स्टारलाइट को बड़े आसानी से मार सकती थी। पक्का एंड में इसका उल्टा होने वाला है। नीना के आदमियों ने किमी को और शेरी को फ्रेंची के सामने बांध दिया। तीनों की हालत काफी खस्ता लग रही थी। फिर नीना ने दोनों को फ्रेंची की ट्रेजिक बचपन के बारे में बताया। फ्रेंची को शुरू से ही टॉर्चर सहने और ऑर्डर फॉलो करने की आदत थी। बड़ा होने के बाद भी फ्रेंची अभी वही कर रहा है, सर झुकाकर लोगों के ऑर्डर्स फॉलो करना। लेकिन इसने नीना के ऑर्डर को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस गलती की सजा इन दोनों में से किसी एक को चुकानी होगी। फ्रेंची के कहने पर नीना किमी को या शेरी में से किसी एक को मार देगी। अगर फ्रेंची ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो ये तीनों अपनी जाने गंवा देंगी। फ्रेंची को परेशानी में देखकर किमिको ने बीस्ट मोड ऑन कर दिया। किमिको ने चुपके से हथकड़ी खोलकर नीना के शूटर्स को मार दिया। किमिको का ये मॉन्स्टरस रूप देखकर नीना वहां से भाग गई। टीएनटी ट्विंस के घर जाते वक्त एमएम ने स्टारलाइट को उसके बचपन की कहानी सुनाई। एक रात सोल्जर बॉय एमएम के घर के बाहर कार से करतब दिखा रहा था। सोल्जर बॉय को बाहर देखकर एमएम ने उसके दादाजी को उठाया। एमएम और उसका दद्दू खिड़की से खड़े सोल्जर बॉय को देख रहे थे कि तभी सोल्जर बॉय ने वही गाड़ी उठाकर इनके घर पर फेंक दी। इस हादसे में एमएम तो बच गया बट उसके दद्दू चल बसे। अगर उस रात एमएम दादाजी को नींद से नहीं जगा था तो शायद वो बच जाते। बस उसी दिन से एमएम के अंदर ओसीडी की बीमारी आ गई और सोल्जर बॉय उसके दिमाग में घुस गया। सोल्जर बॉय को मारने तक एमएम चैन से नहीं जी सकता। ट्विंस के घर जाकर स्टारलाइट और एमएम ने भी ओरजी पार्टी ज्वाइन कर ली। 70th एनिवर्सरी ऑफ हीरोगैज्म। यहाँ पर एमएम की मुलाकात उसके तीन पैरों वाले पुराने दोस्त से हुई। पार्टी में घुसने के कुछ देर बाद ही सूप्स ने एमएम को उनके सूप से नहला दिया। बाहर से बुचर, हिवी और सोल्जर बॉय इस पार्टी पर नजर रखे हुए थे। सोल्जर बॉय ने इन्हें बताया कि बरसों पहले इसी ने लिबर्टी एक स्टॉर्म फ्रेंड के साथ मिलकर इस हीरोगैज्म पार्टी की बुनियाद रखी थी। हिवी टेलीपोर्ट होकर पार्टी में घुस गया। ये 3 मिनट के अंदर टीएनटी ट्विंस को ढूंढकर सोल्जर बॉय को खबर कर देगा ताकि सोल्जर बॉय पार्टी में मास मर्डर करने की बजाय बस उन दोनों को ही मारे। एमएम खुद को क्लीन करने वॉशरूम चला गया। पार्टी में घूमते वक्त स्टारलाइट की मुलाकात डीप से हुई, जो एक कोने में ऑक्टोपस के साथ लगा हुआ था। स्टारलाइट ने फौरन फोन निकालकर इसकी फोटो खींच ली। फिर डीप ने स्टारलाइट को बताया कि उसे यहाँ होमलैंडर ने भेजा है ताकि सोल्जर बॉय के आते ही वो होमलैंडर को खबर कर दे। इसी पार्टी में ब्लू हॉक और ए ट्रेन भी आए हुए थे। ए ट्रेन को सामने देखकर ह्यूवी की पुरानी यादें ताजा हो गई। ए ट्रेन यहाँ ब्लू हॉक से निपटने आया था बट बीच में ह्यूवी ने उसका रास्ता रोक लिया। ह्यूवी चाहता है कि ए ट्रेन उसकी गलतियों के लिए माफी मांग ले। सरप्राइजिंगली ए ट्रेन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने ह्यूवी के सामने अपने गलतियों के लिए तहे दिल से माफी मांगी। ह्यूवी ए ट्रेन का ये रूप देखकर काफी कंफ्यूज था। उसे तो लगा था कि ए ट्रेन गुस्से में कुछ कर देगा और बाद में ह्यूवी टेम्पररी सुपर पावर्स की मदद से उसे कूट देगा, बट यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। ए ट्रेन की माफी मांगने के बावजूद भी ह्यूवी ने उसे पंच मार दिया। ह्यूवी से यह तगड़ा वाला पंच खाकर ए ट्रेन का दिमाग हिल गया। तभी वहां स्टारलाइट आ गई। स्टारलाइट ने ह्यूवी को बताया कि कुछ देर बाद ही यहाँ पर होमलैंडर भी आता होगा। अगर होमलैंडर और सोल्जर बॉय आपस में लड़ने लग गए तो पार्टी में जबरदस्त खून खराबा होगा। 3 मिनट का टाइम खत्म होते ही सोल्जर बॉय भी अंदर चला आया। ह्यूवी जानता था कि स्टारलाइट सोल्जर बॉय को रोकने की नाकाम कोशिश जरूर करेगी, इसीलिए वो उसे पार्टी से टेलीपोर्ट करके बाहर ले गया। ह्यूवी की इस हरकत से स्टारलाइट काफी नाराज थी। ह्यूवी ने स्टारलाइट के सामने फाइनली कन्फेस कर दिया कि उसे स्टारलाइट के सुपर पावर से थोड़ा प्रॉब्लम है। वो रिलेशनशिप में कमजोर पार्टनर नहीं बनना चाहता।
कब तक ये स्टारलाइट के पीछे छुपता रहेगा। इसे भी अब पावरफुल बनकर स्टारलाइट को बचाना था। ह्यूवी का ये इनसिक्योर रूप देखकर स्टारलाइट समझ गई कि प्रॉब्लम V24 ड्रग्स में नहीं बल्कि ह्यूवी के दिमाग में है। नहा धोकर बाहर आते ही MM का सामना सोल्जर बॉय से हुआ। सोल्जर बॉय को अपने सामने देखकर MM फौरन लड़ने के पोज में आ गया। MM ने उसे बताया कि सोल्जर बॉय ने उसकी फैमिली को मारा था। वेल, सोल्जर बॉय ने ऐसे ढेर सारे फैमिलीज मारे हैं, MM को थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सोल्जर बॉय का ये एटीट्यूड देखकर MM का गुस्सा और उबलने लगा। बट तभी एन मोमेंट पर बुचर ने आकर सोल्जर बॉय को रोक लिया कि नहीं, इसे मत मारना, यह हमारा ही आदमी है। सोल्जर बॉय के वहां से जाते ही MM बुचर पर गुस्सा निकालने लगा कि वाह भाई, ये सही है, बुचर होमलैंडर से बदला ले सकता है बट MM सोल्जर बॉय को नहीं मार सकता। सूप्ड अप बुचर पर MM के हमलों से खरोच तक नहीं आई। सोल्जर बॉय को अपने सामने देखकर TNT ट्विंस ने सब उगल दिया। सोल्जर बॉय को रशियंस के हवाले करना ब्लैक नोवार का आइडिया था, पूरी की पूरी उसी की प्लानिंग थी। पर सोल्जर बॉय जानता था कि वॉर्ड के परमिशन के बिना नोवार इतना बड़ा फैसला नहीं लेने वाला। इसी पार्टी में एक कपल रशियंस गाने लगाकर लगे हुए थे। रशियंस गाना सुनते ही सोल्जर बॉय को फिर से फ्लैशबैक्स आने लगे और उसने कंट्रोल खोकर उस ऑर्जी पार्टी को बारबेक्यू पार्टी में बदल दिया। फुल ऑन ब्लड बाथ। यहां फाइनली कंफर्म हो गया कि रशियन गाने सोल्जर बॉय के सीक्रेट पावर्स का ट्रिगर पॉइंट है। धमाके की आवाज सुनते ही स्टारलाइट भी घर की ओर निकल पड़ी। ह्यूवी ने उसे रोकने की कोशिश की बट एनी उसे उड़ाकर चली आई। इन सब के बीच भी ए ट्रेन को ब्लू हॉक से बदला लेना था। फिर ए ट्रेन ने ब्लू हॉक को जमीन पर गिराकर घसीटते हुए मार दिया। फिर से अपने पावर्स को यूज करने की वजह से ए ट्रेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह सड़क पर बेहोश हो गया। डॉक्टर्स बिल्कुल ठीक कह रहे थे। डीप से खबर मिलते ही होमलैंडर भी यहाँ आ गया और टर्माइट को कुचल कर अंदर चला गया। किसी तरह बुचर के साथ साथ MM भी हादसे से जिंदा बच गया। पिछली बार की तरह इस बार भी सोल्जर बॉय को कुछ भी याद नहीं कि यहाँ हुआ क्या था। अंदर आकर होमलैंडर ने देखा कि बुचर और सोल्जर बॉय साथ मिलकर काम कर रहे हैं। होमलैंडर बुचर को लेजर आइज से मारकर सोल्जर बॉय से लड़ने चला गया। पहले तो सोल्जर बॉय ने इसे तगड़ी टक्कर दी बट धीरे धीरे होमलैंडर उस पर भी भारी पड़ने लगा। जल्द ही बुचर और ह्यूवी भी इस लड़ाई का हिस्सा बने। इन दोनों के सुपर पावर्स देखकर होमलैंडर काफी हैरान था। MM को भी लड़ाई में घुसकर सोल्जर बॉय से बदला लेना था बट स्टारलाइट उसे समझाकर बाहर ले गई, ये बोलकर कि जख्मी लोगों को इनके मदद की जरूरत है। फिर एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के बाद बुचर, ह्यूवी और सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को जमीन पर पटक दिया। सोल्जर बॉय अपने पावर्स एक्टिवेट करके होमलैंडर को मारने ही वाला था लेकिन इस काम में जरूरत से ज्यादा टाइम लगा। सोल्जर बॉय अभी तक अपने नए पावर्स पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी डिले का फायदा उठाकर होमलैंडर वहां से भाग गया। बाल बाल बच गया ये, बट साला अब किसी की खैर नहीं। मामला शांत होते ही ह्यूवी बुचर और सोल्जर बॉय के साथ वहां से चला गया। ये देखकर स्टारलाइट काफी गुस्सा थी। उधर किमिको ने फ्रेंची को बताया कि कंपाउंड वी ने उसे मॉन्स्टर नहीं बनाया, ये तो बिना कंपाउंड वी के ही उतनी ही ज्यादा खतरनाक है, इन अ बैड वे। फ्रेंची ने उसे समझाया कि इसमें किमिको की कोई गलती नहीं, वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले अपने पास्ट से नहीं भाग सकते। होमलैंडर घर जाकर आगे के बारे में सोचने लगा तो द स्टारलाइट ने सोशल मीडिया पर लाइव जाकर वॉट का चिट्ठा खोल दिया कि वॉट और होमलैंडर उनसे झूठ बोल रहे थे, कोई सुपर विलन वगैरह नहीं है, ये सारे हमले सोल्जर बॉय ने किए हैं। यह सोल्जर बॉय मरा नहीं, जिंदा है। सोल्जर बॉय क्या, वॉट के किसी भी सुपर हीरो को तुम्हारी चिंता नहीं, सारे बस अपने मतलब के लिए सोचते हैं और उनमें होमलैंडर तो सबसे बुरा है, उसी ने क्वीन मेव को भी कहीं गायब कर दिया। स्टारलाइट अब वॉट की मनमानी से तंग आ चुकी है। आज से यह स्टारलाइट नहीं सिर्फ एनी जनवरी है, यानी एनी ने वॉट को छोड़ दिया। और यहां होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।